سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين ثم آمين تفسير سورة الكهف ركو نمبر 9 آية نمبر 60 وَإِذْ قالم مُؤْسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُوحَ مَجْمَعَ الْبَحَرَيْنِ أَوْ أَمْزِيَ حُقُبَةً جب قَهَى مُسَىٰ لَإِسْلَامُ لِفَاسْتِئِ أُنْكِ غُلَامٍ उनके साथी उनके नौजवान उनके खातिम को ला अब हो हर नहीं मैं टलूंगा कब तक नहीं टलूंगा यहां तक कि मैं पहुंच जाऊं मजमाल बहरेन दो समुद्रों के जमा होने की जगह तक अमजिया याकबा या मैं तवील मुद्दत अर्जा दराज तक चलता रहूंगा यहां से आगे किस्सा आ रहा है हजरत मुसा सलाम और हजरत खिजर का और ये रुदान है बुनियादी तौर पर हसूल इल्म के सफर की सूर्ल आकाफ में अब तक हमने देखा कि अल्लाह सबाना ताल ने पहले वाकया सुनाया तो उससे उन नौजवानों का किस्सा दिखाकर हमें बताया कि सबसे ज़्यादा गालिब मोहब्बत किसको कर लो अल्लाह की मोहब्बत को कर लो और अल्लाह की मोहब्बत और इस जन्नत की तलब और तड़प की ख्वाहिश को तमाम ख्वाहिशों और तमाम मोहब्बतों पर गालिब करके अपनी दुनिया की महबूब चीज़ों को उस तलब और तड़प के लिए निछावर कर दो महबूब चीजों को निशावर करते हुए दुनिया की नुकसान की फिक्र ना करना फिक्र फिक्र आखरत रखना यह पहला वाक्य उसके बाद अल्लाह सुबहाना ने वो दो बागों वालों का किस्सा सुनाकर हमें फिर मिसाल बता दी कि महबूब चीजें हैं लेकिन इनके फिक्रों में उलझे बगैर तुम फिक्र आखरत करके अपने रवैयों को दुरुस्त रखो और अब यहां पर रवैयों की दुरुस्तगी के लिए चीज क्या जरूरी है अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे क्या देता है दीन का इल्म देता है तो याद रखिएगा महबतों का पैमाना दुरुस्त करने के लिए फिक्रों का पैमाना दुरुस्त करने के लिए असलाह अहवाल करने के लिए क्या जरूरी होगा इल्म का हसूल जरूरी होगा तो यहां से आगे पर वाक्य हजत मूसा के हसूल इम का एक सफर और उसका तस्करा इस वाक्य से हसूल इल्म के असूल भी पता चलेंगे आदाब और सलीके भी पता चलेंगे ममों को भी कुछ असूल पता चलेंगे और तालब इलमों को भी कुछ अच्छे जब्ते और रवैये समझाए जाएंगे और फिर जिंदगी की हकीकतों और जिंदगी में आने वाले दुखों और गमों की हकीकत और उसके साथ रवैया भी समझाया जाएगा वाक क्या, क्या हुआ था हजरत मूसम का ये वाक़ा उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि एक शख्स एक मर्द हज़रत मूसीम के पास आया और उनकी महफिल में उनसे सवाल किया कि सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है अक्सर रवायात में आता है कि ये ये जो किस्सा है ये किस्सा हज़रत इबन अब्बास की रवायत से पता चलता है कि ये किस्सा फ़िरौन की हलाकत के बाद हुआ बाहर कैफ ओलामी से निजात के बाद हुआ फ़िरौन की हलाकत के बाद हुआ लेकिन एक शख्सत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने पूछा कि सबसे ज्यादा इल्म कौन है तो रात की तलीमत काजत मूसा ने फरमाया कि मैं ये वो रवैया था जो एक नबी का अफसरा कहा पे दूसरी दफा एक नबी का बशरी तकाजों से एक कमी का तरीका एक पुताही का तरीका नबी वसल्लम से जब सवाल हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था मैं तुम्हें जवाब कल दूंगा और से ये सवाल हुआ कि सबसे ज्यादा इल्म कौन है तो उन्होंने कह दिया मैं ये वो दोनों थे सुबह के हाँ पसंदीदा ना थे एक बात तो ये समझ आती है कि अल्लाह सुबहाना तला के इत जलील कदर अम्बिया उजम अंबिया रसूल बशर थे और बशरी तकों से उनसे कुछ कोताहियां हुई दूसरी बात यह समझ आती है कि जब जहां कोताहियां हुई अल्लाह ने उनकी निशानदही फरमाई और उनकी इस्लाह भी फरमाई अल्लाह की ना फरमानी अल्लाह की सरकशी का मुआखजा हिसाब किताब सवाल जवाब होने वाला है अल्लाह महासिब ना खिजा बेरा

बशरी तवाज़ों से जहां कुछ कमी कुताही हुई उसको उसको चेक किया गया उसको करेक्ट किया गया सो so दैट रहती दुनिया तक नबी की सुन्नत बेदाग हो और अके बंद करके इत्तबाए सुन्नत रसूल वसल्लम करना मुमकिन हो अब जब हजरत मूसा सलाम ने यह जवाब दिया कि मैं सबसे ज्यादा साहिब इल्म तो अल्लाह सुबहाना तआला ने अपने इस नबी की तरबियत के लिए मज़ीद इल्म के इजाफे की ख्वाहिश पैदा करने के लिए कहा निशानदेही की कि एक शख्स आपसे ज्यादा साहिब इल्म है हज़रत खजर की निशानदेही की गई और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ सफ़र करने की ताक़ीद की गई हसूल इल्म के हवाले से गोया आजजी इनकसारी की तरफ माइल किया गया गलत रवि के अतराफ़ की तरफ माइल किया गया असलाह और तजिए की तरफ माइल किया गया और एक मुअल्लिम की तरफ जाकर अपने इल्म के इजाफे की जस्तजु की तरफ माइल किया गया और उनकी इल्मी कमी का एहसास पैदा किया गया अल्लाह सुबहाना तमें आजी इनकारी से अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत करने की तोहफी किताब फरमाया साथ ही अल्लाह सुबहाना तु निशानदही भी फरमा दी कि हजरत खिजर से मुलाकात कहाँ होगी जहां पे दो दरिया मिलेंगे तो लिहाजा ये वही सफर है जिसका तस्करा यहाँ पे किया जा रहा है आप किस्सा पढ़ते जाएंगे असूल इल्म के आदाब असूल इल के सफर के तरीके जो हैं उसमें में बहुत सी निशानियां मिलेंगी जो मेरे और आपके लिए बेहतरीन नमूना होगा जरा उनको वो किस्सा सुना जो मूसा को पेश आया था जब मूसा ने अपने खादिम से कहा था ये खादिम कौन है अक्सर रवायात तफसीर की में पता चलता है कि ये हजरत यूश बिन नून थे हजरत यूश बिन नून जो हजरत मूसा के बाद अक्सर रवायात में आता है कि नबूबत से सरपराज किए गए थे आपके शागिर्द भी थे आपके खातम भी थे तीन बातें यहां से समझ आती हैं हजरत मूसा उल उलुल अजम नबी कलीम कलीमुल्ला हसूल इल्म के सफर में किसको साथ रख रहे हैं अपने खादिम को अपने सफर में साथ रख रहे हैं लम्हा फिक्र है हम सब सोचें हम अपने हसूल के सफर में अपने मातहतों को अपने जेर दस्तों को अपने ख़ादिमों को, अपने मुलाजिमों को क्या अपने हसूल इल्म के सफर में अपने साथ रखते हैं अपने अमाल की सीढ़ी में अपने साथ चढ़ाने की कोशिशें और एफर्ट्स करते हैं क्या हमारे घर में हमारे मुलाजिम हमारे मातहत नमाजों का एहतमाम करते नजर आते हैं क्या हमें उनके हलाल हराम की फिक्र है क्या हम उनकी तरबियत और तजिया के आमिल हैं सलाम हसूल इल्म के सफर में अपने खादिम हजरतूश बिन नून को अपने साथ शामिल करके हमारे लिए एक नमूना कायम करते नजर आ रहे हैं दूसरी बात यह पता चल रही है कि एक शागिर्द खादिम भी बन सकता है और एक खादिम शागिर्द भी बन सकता है दोनों चीजें कोई अलग एंटिटी नहीं है कि अगर कोई शख्स खादिम हो तो वो कहे कि मैं शागिद नहीं बन सकता और अगर कोई शागिर्द हो तो वो कहे कि मैं खादिम नहीं बन सकता लिहाजा हजरत मूसा हजरत यूश बिन नून अपने खादिम को साथ लेके चलते हैं और क्या कहते हैं बेहतरीन नमूना अपने मातहत के लिए मैं अपने हसूल इल्म का सफर खत्म नहीं करूँगा हजरत मूसा ने क्या कहा क्या रवैया नजर आ रहा है हसूल इल्म के लिए कितने विल पार है कितनी डिटर्मिनेशन है कितना पक्का असम है कितना कितना मुसम्मा में है कि मैं सफर करता ही रहूंगा याद रखिएगा बहुत बड़ा खजाना है हसूल इल्म बहुत खूबसूरत अमल है और इल्म का हसूल जिंदगी के एक हिस्से कुछ महीनों या कुछ सालों पर मामला नहीं है इल्म कहां से कहां तक माँ की गोद से महद से लहद तक इलम हासिल करते रहना है अल्लाह सुबहाना ताला हमें जिंदगी की आखिरी सांसों तक इस कुरान का रखना कुरान को सीखने और सिखाने की बेहतरीन तोहफ़ी कता फरमाना हजब मूस इस्लाम कह रहे हैं मैं अपना सफर ख़त्म नहीं करूंगा अच्छा हम तो सोच रहे थे कि ये दो साल कोर्स खत्म होने वाला है शुक्र है पांच महीने में ख़त्म होगा छुट्टी होगी जान छुटेगी ना टेस्ट न हसूल इल्म का सफर कभी ख़त्म नहीं होता अल्लाह सुबहाना तआला से दुआ किया करें कि अल्लाह सुबहाना तआला मेरी जिंदगी में कोई एक दिन ऐसा ना आए मेरे दिन में कोई लम्हा कोई घड़ी ऐसी ना आए कि मेरे दिल में इल्म की तलब ना हो इल्म का तड़प ना हो इल्म को हासिल करने के क शौक से मैं कभी महरूम ना हो जाऊँ और अल्लाह मुझे जिंदगी की आखिरी सांसों तक इस कुरान को सीखने और सिखाने वाला बना देना मेरी जिंदगी का कोई दिन इसकी महरूमी से ना कोई दिन ऐसा ना हो कि मैं इसको सीखने और सिखाने से महरूम हो जाऊं अद्लाम ने कहा मैं अपना सफर कभी खत्म नहीं करूंगा जब तक कि मैं दो दरियाओं के संगम पर पहुंच जाऊं दो दरियाओं का संगम जैसे मैंने भी आपको बताया अल्लाह सुबहाना तजम मूसी को जाहिर है क्योंकि वो तो हजरत खजर को नहीं पहचानते थे ना उनके लिए तो टोटल स्ट्रेंजर थे एक नए इलाके में जाके एक नए उस्ताद को ढूंढना था तो अला सुबह तक ने कोई जोग्राफिकल सी अलामत बता दी थी कि फला जोग्राफियाई जगह पर फला जमीन के इलाके पर जब पहुंच जाओगे तो फला निशानी पर तुम्हें अपना वो नया मोलम अपना नया उस्ताद मिलेगा और वो निशानी क्या थी जहाँ दो दरिया जो है वो मिलते हैं हमें पता चलता है कि हजरत मूसा आलाम जब आजाद हुए थे और फिर वो सहरा में सहरा सनासीना में इनको आबाद किया गया था तो इनका सफर खरतूम की तरफ था और खरतूम वो जगह है जहां दरियाए नील के दो ब्रांचेस आपस में मिलती हैं बहरे बहरे अरजक और बहरे अबियस ये दो ब्रांचेस हैं बहरे अरजक और बहरे अबियस ये दो नाइल की ब्रांचेस दरिया नील की दो ब्रांचेस जिस जगह पे मिलती हैं वहां आज का मौजूदा खरतुम का शहर है ये सूडान का एक शहर है और यहां पर इनका सफर था जहां पर इंडिकेट किया गया था हजरत मूसा मुसीम को तो उन्होंने कहा कि जहां मुझे अल्लाह तआला ने निशानदी की है कि मुझे मेरा अपना उस्ताद मिलेगा मैं तो वहां तक चलता जाऊँगा वरना मैं एक जमाना दराज तक चलता रहूंगा ये है नमूना मुझे और आपको हसूल इलमे जमाना दराज तक जिंदगी की आखिरी सांसों तक आखरी लम्हों तक हसूले इल्म के सफर में जारी रहने का इरादा भी करना है इसकी जौक शौक भी डेवलप करनी है हसूले इल्म का तलब और, और अल्लाह बंदे के गुमान से बढ़ के मामला करता है इनशाला चाहेंगे तो अल्लाह सुबहाना हमारे ख्वाहिशों और आरजों से बढ़ के मामला करेगा अल्लाहनी सूल इल्म तो इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह सुबहाना ताल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान में चंद दुआएं कुल कह कर सिखाई है आप ये कह दीजिए अल्लाह ने अपने हबीब को जो दुआ कुल कह कर सिखाई है उसमें से एक दुआ कौन सी है मोहम्मद सल्लाहलम आप भी और आपके पैरोकारों को भी कहा तुम भी क्या कहो और आप इल्मा ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर और जब अल्लाह ने ये दुआ सिखाई

अल्लाह उमैन आओ जब का मिनफ़ाओ मिन नफ ला तशफाओ मिन दावतिन ला युस्तजावूल हो तो ये कितनी ख़ूबसूरत दुआ अल्लाह ने एक कहा कि रब अल्लाह से इल्म के इजाफे की दुआ मांगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत मसनून दुआएं मेरी और आपके लिए जारी फ़रमा दी अल्लाह की दुआएं भी याद रखने और तड़प तड़प कर खलूस से ये दुआएं मांगने की तौफीक अता फ़रमा और अल्लाह हमारी ये दुआएं हमारी और हमारी औलादों के हक़ में कबूल फ़रमा बस जब वो उनके संगम के पास पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए याद रखिएगा रखेगा सफर में ना हम बहुत दफा अपने खाने पीने अपनी दुनियावी चीजों अपनी रोजमर्रा के सामान से बसा औकाफिल हो, तो हो जाएंगे हजरत मूर्सी का रवैया भी था और वो निकल कर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कोई सुरोंग लगी हो और अल्लाह सुबहाना तैनाती तौर पर यही दो निशानियाँ बताई थी कि आपको आपके जो मोल उस्ताद हैं उसी जगह मिलेंगे जहाँ दो दरिया मिलते हैं और फिर आपके थैले में से मछली जो है ना वो दरियाओं के संगम के मौके पर वो दरिया में जाएगी और एक अजीब सी टनल से बना के वो दरिया में गायब हो जाएगी तो वो गायब हुई लेकिन अजमेर मूसा इस्लाम को पता ही नहीं चला वो गाबिल हो गए आगे जाकर मूसा इस्लाम ने अपने खादि से कहा लाओ हमारा नाश्ता आज के सफर में तो हम बुरी तरह से थक गए एक उस्ताद अपने शागिर्द अपने खातम से उसकी खिदमत और उसकी मुआवनत और इन कामों का मुतालबा कर सकता है और दूसरी बात क्या पता चल रही है मूसा ने हसूल इल्म के सफर में क्या कहा आज तो हमें क्या पहुँचा है सफ़रना हजा नबा सफ़र में हमें थकावट पहुँची है सफ़र में थकावट यकीनी है थकावट आएगी कभी रातों को नींदों की कमी की वजह से कभी कंधे दर्द करेंगे कभी हाथ दुखने लगेंगे लिखने की शिद्दत की वजह से कभी सर दर्द करेगा नींद की कमी की वजह से कभी लगातार लंबे घंटे पढ़ने की वजह से कमर दुखेगी कभी जिसम दुखेगा कभी कभी सारा ही जिसम दुखने लगेगा तो थकावट हसूल इल्म के सफर में थकावट यकीनी है थकावट आएगी नबियों को भी आई थी इसके लिए तैयार रहें परेशान मत हुआ करें यार दूसरा बंदा मेरे पास कोई दर्द है कंधों की घटनों की हाथों की बाजुओं की दर्द है क्या करना है अपनी खुलाक का और अपनी सेहत का ख्याल रखें अपनी कुत अपनी ताकत अपनी तोानाई का ख्याल रखें लेकिन इन थकावटों के लिए तैयार रहे वही जो कहा ना किसी ने ये कदम कदम बनाए जिन जिने जिंदगी हो प्यारी तो मामला यही है अगर थकावटों से डरते हैं तो फिर हसूल एल्म का सफर ना खुद सीख सकते हैं ना सिखा सकते हैं सीखने और सिखाने के लिए थकावट शर्त है इसके लिए थकना थकने के लिए थकना कबूल है थकावट कबूल है तो इस सफर पे चले इस सफर में थकावटें यकीनी है खातिम ने कहा आपने देखा नहीं ये क्या हुआ जब हम मुझ के पास ठहरे हुए थे उस वक़्त मछली मुझे मछली का ख्याल ही नहीं, नहीं रहा और शैतान ने मुझे काफिल कर दिया कि मैं उसका जिक्र आपसे करना भूल गया। हसूल इल्म के सफर में तालब इलमों के दिलों में अपने मामलात से गफलत कौन डालेगा शैतान डालेगा अपने मामलात से गाफिल अपने फ़राय से गाफिल अपनी ज़िम्मेदारियों से गफलत कौन डालेगा शैतान डालेगा तो लिहाजा एक तालबिन को कसरत से क्या करना है शैतान की उकसाहटों उसके फितनों उसके हमलों से अल्लाह से पना मांगने आउज़ बिल्ला शैतवान वजीम रबी आउज़ बिका मिन खामा ज़ात शैयातिन आउज़ बिका रबी अखसरूनी सुबो शाम सूरा नाच सूरा फलक तैन सुबह शाम के अस्कार मछली तो अजीबी तरीके से निकलकर दरिया में चली गई मुसाउ ने कहा इसी की तो हमें तलाश थी यानी वो दो दरियाओं का संगम और मछली का दरिया में गायब होना ये तो हमारे लिए पॉइंट था जहां हमें उस हाथ मिलना चुनाचे वो दोनों अपने नक्शे कदम पर वापस हुए अच्छे उस्ताद को अच्छे मोलम को ढूंढने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है खाक छाननी पड़ती है कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं यही तो था अपने नशे कदम पर फिर वापस गए वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा अल्लाह की रहमतों में से सबसे बड़ी रहमत क्या है इल्म अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको क्या देता है उसको दीन का इल्म और फहम अता करता है और फिर जिसको वो दीन का इल्म देता है उसको वो क्या क्या देता है खैरुक बनता है कुराना वो बना देता है अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से नवाजा तो और अपनी तरफ से खास अदा किया था फिर पता चल रहा है कि इल्म की खास रहमत है मूसा सलाम ने उनसे कहा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे उस दानिश उस दानिश की तालीम दे जो आपको सिखाई गई है हजरत मूसा सलाम का यहाँ पर भी और आगे वाले भी बहुत से मकालमो के जुमलों में हजरत मूसा का अपने उस्ताद के साथ एक रवैया नजर आ रहा है कैसा रवैया अदब का एहतराम का इज़्ज़त देने का तरीका नजर आ रहा है उस्ताद का अदब उस्ताद का अदब अच्छे ताले इम और हसूले इल्म की कामयाबी के लिए जरूरी है पहले से बांध लीजिए बादब बानसीब बेअब बेनसीब हसूल इल्म के लिए अपने उस्ताद की इज्जत करना शर्त है वो अफराद वो तालिब इल्म, वो बच्चे, वो घराने, वो माशरे जहां पर या जो उस्ताद का अदब और एहतराम नहीं करते उस्ताद की इज्जत को मलहूज नहीं रखते वहां से इल्म उठा लिया जाता है आप अलैहि वसल्लम ने उस्ताद को क्या दर्जा दिया आपने तो बाप का दर्जा दिया था आपने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम से मुखातिब होकर क्या फरमाया था सुन तेरे तीन बाप हैं। एक तेरा हकीकी बाप एक तेरी बीवी का बाप और एक वो तेरा उस्ताद जिसने तुझे, तुझे इल्म सिखाया तो उस्ताद जो इल्म सिखाता है इल के और इ की रहमत से आरास्ता करता है उसका दर्जा माँ और बाप कैसा है उसका दर्जा माँ और बाप कैसा है तो जैसी इज्जत जैसा अदब जैसा एहतराम माँ बाप को देना अल्लाह ने सिखाया है अपने अपने कंधे आजी से उसके सामने झुका दो अल्लाह वालदेन के लिए सिखाता है वैसा ही अदब एहतराम इज्जत अकीदत ताजीम एक उस्ताद के लिए जरूरी है मैं फिर दोहरा रही हूँ जिस माशरे में उस्ताद का अदब नहीं रहता उस माशरे में से इल्म उठा दिया जाता है और उस्ताद का अदब और एहतराम करने वाले इल्म के खजानों को समो के समेट के समुंदर पाने में कामयाब हो जाते हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन, आपने क्या फरमाया आपने फरमाया अली इल्म का दरवाजा है अली रज़ी अल्लाह इल्म का दरवाजा है हजरत अली रजी इल्म की तस्दीक तहसीन और तस्करा आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमा रहे हजरत अली का एक कॉल देखिए हजरत अली अपने उस्ताद के हवाले से फरमाते हैं मेरा उस्ताद मेरा मालिक है मेरा उस्ताद मेरा मालिक है चाहे मुझे बेचे चाहे मुझे खरीदे इल्म का खजाना जिसका तस्कर और जिसकी तहसीन और जिसकी तस्दीक सादिकल अमीन ने कर दी उसके पीछे वजह हजरत अली अन की अपने उस्तादों को इज्जत देने की थी मेरा उस्ताद मेरा मालिक है चाहे मुझे बेचे चाहे मुझे खरीदे हारून रशीद मामून रशीद साहिब खुलफा में से थे अब्बासी दौर के बड़े साहिब खुलफा में से थे इनका हाल यह है कि खलीफा के बेटे होने के बावजूद बाप ने उस्ताद का अदब और अहतराम सिखाया था तारीख से पता चलता है कि मामून रशीद के उस्ताद जब उठते थे तो मामून रशीद अपने उस्ताद के जूते अपने उस्ताद के पाओ के आगे पेश करते थे तो लिहाजा उस्ताद का अदब उस्ताद का एहतराम इंतहाई जरूरी है हसूल इल्म के लिए लेकिन आज अगर हम माशरे में देखते हैं तो हमारे माशरे में से उस्ताद का अदम उठता चला जा रहा है यहां तो मां बाप का एहतराम नहीं है उस्ताद का अदरम क्या होगा स्कूलों में कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में बायदा मजाक उड़ाया जाता है टीचर्स का बाकायदा नाम रखे जाते हैं बाकायदा तजहीक की जाती है कार्टून बनाए जाते हैं नकलें उतारी जाती हैं और फिर इसके तस्करे आके माँ बाप के सामने रुदाते सुनाई जाती हैं बहुत दफ़ा मैंने बच्चों को कहते हुए सुना है वो मैथ्स की टीचर वो तो बहुत ही बेहमक है वो तो बहुत ही बेवकूफ़ हैं वो तो बहुत ही नालायक हैं टीचर आ गई नहीं टीचर आ गई नहीं अगर एक माँ पहले दिन अपने बच्चे की जबान से यह जुमला सुनती है ना कि मिस आ गई उसको पहले दिन उसका कान मरोड़ के कहना जरूरी है देखो टीचर आ गई नहीं होती टीचर आ गई कहते हैं उस बच्चे की तरबियत के लिए माँ की तरबियत काफी है उस्ताद की इज्जत करवाना वालदेन के फराइज में से एक फर्ज है अगर चाहते हैं कि हमारी औलादें साहब इल्म बन जाए दुनिया का कुरान का कोई भी इल्म इससे फायदा उठाए तो अपने बच्चों को अपनी औलादों को उस्ताद का अदब सिखा दीजिए आज बच्चे स्कूलों कॉलेजों से खुद आके जब मां बाप के सामने अपने टीचरों का मजाक और इस्तेहजा करते नजर आएंगे तो क्या वो खाकिल हासिल करेंगी और आज सबसे ज्यादा कम इज्जत हमारे माशरे में कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद की है वो मौलवी जो घर में कुरान पढ़ाने के लिए आता है उसकी इज्जत सबसे कम की जाती है स्कूल के टीचर की भी इज्जत है ट्यूटर की भी इज्जत है ट्यूशन वाले टीचर की भी इज्जत है लेकिन वो मौलवी साहब जिन्होंने कुरान पढ़ाने के लिए आना है उसकी इज्जत आज हमारे माशरे में सबसे कम है वो आधा घंटा बैठ के बाबा साहब का इंतजार करता है उस्ताद बैठ के तालिबिल का इंतजार करता है तालिबिल बैठ के उस्ताद का इंतजार नहीं करता यह अदब का तरीका नहीं है इसीलिए तो फिर आज हमारे बच्चे कुरान के इलम से महरूम है आज हमारी औलादों के दिलों में जब वो कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद का अदब और एहतराम ही नहीं रखा गया उस मौलवी साहब का एक प्रोटोकॉल ही नहीं रखा गया उसको एक प्रायोरिटी ही नहीं बनाया गया तो फिर यही नतयज होंगे जो आज हमारे माशरे में नजर आ रहे हैं मैं फिर दोहरा रही हूं अगर चाहते हैं कि आपकी इल्म के खजाने समेट लें तो उनको अपने उस्तादों का अदब और एहतराम सिखा दीजिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ इजाजत मांगी उस्ताद ने क्या जवाब दिया उन्होंने जवाब दिया आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते हाँ जिस चीज की आपको खबर भी ना हो उस पर आप सबर कैसे कर सकते हैं मूसा अलैहि सलाम ने कहा इंशाल्लाह ये किसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंशाल्लाह की कमी का मामला हुआ था हजरत मूसा अलैहि सलाम ने बहरहाल इंशाल्लाह कहा इस मौके पे तो लिहाजा वो बशरी तकाजों पर भूल चुक के तकाजे पर हुई वरना अंबिया तमाम इस जुमले और इस कलमे के फाइल थे और फिर ये भी तो पता चलता है कि तमाम नबियों की सुनते भी एक है तमाम नबियों का दीन भी एक था दीन सभी का एक वही की तालीमांत सबकी भी एक इनशाला सिर्फ हमारे दिन में नहीं पिछले अति में भी मौजूद है मुसालाम ने कहा इनशाला आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा अच्छे उस शागिर्द की अगली सिफत क्या है जी अच्छा शागि अपनी जबान पर अल्लाह का जिक्र रखता है अच्छा शागिर साबिर होता है सबर के बगैर तालीम का सफर कट नहीं सकता सबर के बगैर कोई तालब इल्म के जेवर से आरास्ता हो नहीं सकता हसूल इल्म के सफर में अपने नफ्स को परेशानी से घबराहट से इसतराब से टेंशन से रोक के उस सफर पर इस तकामत से चलते रहने वाले ही को इल्म का खजाना मिला करता है इनके सफर पर फिर क्या अल्लाहनी सबीरा अच्छा तालब इलम होने के लिए ये दुआ अपने लिए लाजिम कर लीजिए क्योंकि इल्म का खजाना मिल रहा है उस पर शाकिर होना जरूरी है हसूले इल्म के सफर में मुश्किल आएंगी तनकीद होगा मजाक होगा नुकसान होंगे रुकावटें आएंगी सबर करना जरूरी है और फिर इल्म के आने के बाद इल्म के हासिल हो जाने के बाद तकबर से बचना जरूरी है शैतान तकबुर डालेगा और फिर इल्म के हसूल के बाद अपने इर्द गिर्द लोगों में बाइजत होना भी जरूरी है बड़ी जामे दुआ है अपने लिए लाजिम कर लीजिए फिर पढ़े अल्लाह मान ली सबूर वाले शकूरा व जान ली फिई नी सगीरा व फिइन ना से कबीरा बड़ी जामे दुआ शाकिद की हजरत मूसलाम ने कहा इनशा आप मुझे साबिर पाएंगे सब अपने लिए वादा करते जाए इन आप हमें साबिर पाएंगे अल्लाह हमें सबर की तोफीक दे आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा अच्छे स्टूडेंट अच्छे तालब की एक और सिफत क्या है कि वो अपने उस्ताद की नाफरमानी से बचता है अपने उस्ताद की सरकशी हुक्मदूली जो जो मीनस ऑफ एजुकेशन जो कोड ऑफ एथिक जो कवानीन जो असूल जो जबते जो तरीके वज़ा कर दिए होते हैं उसके उसद ने उसकी नाफरमानी और उसकी सरकशी से बचता है अपने की अतात करता है फरमा बरदारी करता है उसका हुक्म मानता है और उसकी ताबियतदारी करता है ये अच्छे शागिद की जरूरी मसिफत है अल्ला में से मुतसिफ कर दे उसने कहा अच्छा आप अगर मेरे साथ चलते हैं तो मुझे कोई बात ना पूछें जब तक मैं खुद आपसे उसका जिक्र ना करूं तो लिहाजा हजरत खजर ने हजरत मूसा को अब एक और तरीका सिखा दिया कि ठीक है आप सब्र भी करेंगे और आप मेरी अताद भी करेंगे नाफरमानी भी नहीं करेंगे तो एक और ऐसे की है कि आप क्या करेंगे मुझसे सवाल भी जब तक मैं आपको खुद से खुद किसी बात की हकीकत नहीं बताऊंगी ना अब मुझ नहीं बताऊंगा अब मुझसे सवाल नहीं करेंगे तभी तो जैसे मैंने आपको बता रही थी कि सवाल बजाते खुद न ना, ना पसंदीदा है ना मना किए जाते हैं लेकिन सवाल के पीछे जो गरज जो गायत जो मकसद और नीयत है उसका सही होना जरूरी है क्योंकि सवाल बुनियादी तौर पर इल के इजाफे का जरिया बनते हैं अमल की असलाह का जरिया बनते हैं क्योंकि अगर कोई सवाल नहीं पूछेगा तो इलमे में इजाफा कैसे होगा और फिर सवाल के पूछने से बहुत से अमाल की असलाह अकैद की असलाह इबादत की असलाह माल की असलाह हो जाती है तजिकिया तो का जरिया बनते हैं तो क्या सवाल बिल्कुल ही मनाए नहीं कौन से सवाल वो सवाल जो महज तनकीद के लिए किया जाए किसी को किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना उसकी तनकीद के लिए उसकी इलमी कमी को साबित करने के लिए उसका मजाक बनवाने के लिए उसकी तसहीक करने के लिए या अपनी जिद पर जमे रहने के लिए एक सवालों का ही सिलसिला शुरू कर देना यह नापसंदीदा है अगर कोई सवाल अपने अमल की असलाह के लिए किया जा रहा है अपने इल्म के इजाफे के लिए किया जा रहा है और हाँ उसका मौका भी दुरुस्त है अदब और सलीके के साथ बर वक्त किया जा रहा है तो ऐसा सवाल ना नापसंदीदा बे जाके बे ला यानी गुस्ताखी से किए गलत नीयत तो और इरादे फितने और फसाद की नीयत से जैसे बसा होगा स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटी में वो बच्चे क्या कहते हैं आज मैं बड़ा जबरदस्त एक सवाल लेकर आय मैडम से करेंगे ना तो लग बता जाएगा कि मैडम जवाब दे सकती हैं कि नहीं फिर हम तवा लगाएंगे तो ये ये इस नीयत से किए जाने वाले सवाल या बस बसाओका दीन की महफिलों में अकीदे की बिगाड़ को हाईलाइट करने के लिए जो सवाल किए जाते हैं ये ये सारे सवाल जो इसके पीछे नीयत मतहर गलत है वो नहीं होने चाहिए लेकिन अदरवाइज मुस्बित नीयत से सही अदब और सलीके से किए जाने वाले सवाल पसंद जीता है अब दोनों रवाना हुए यानी अब माहिदा हो गया आप कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो तलब इम बन गए शागिर्द इख्तियार कर ली अब वो दोनों रवाना हुए कि जब तो वो किश्ती में सवार हुए तो शख्स ने किश्ती में शगाव डाल दी अल्लाह अकबर एक मल्लाह की किश्ती है जिसमें ये दोनों सवार हुए और किश्ती में जब सवार हुए तो हजरत खजर ने क्या किया उस्ताद ने क्या किया किश्ती के अंदर सुराख कर दिया ये तो एक, एक किसी के साथ जुल्म और ज्यादती का मामला था और किसी की किश्ती किसी की जती मलकियत के अंदर नुक्स और ऐप डालने का तरीका था तो लिहाजा और जाहिरतान तो यही नजर आ रहा है ना कि जिसकी किश्ती में सुराख हो जाएगा वो अपने रिस से महरूम हो जाएगा उसका वो किश्ती जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो उसके लिए मुसीबत आ जाएगी मूसा अलैहि सलाम ने जब कोई गलत काम होते हुए देखा तो हर शरीफ व नफ का रवैया ना आपने इसमें शिगाव डाल दिया ताकि सब किश्ती वालों को डबो दे ये तो आपने बहुत सख्त हरकत कर डाली यही मौका जब हजरत खज़र और हजरत मूसा सलाम कश्ती में सवार थे, तो उसी मौके पर वो बुखारी का वाक़ भी आता है कि ने फरमाया कि जब ये दोनों कश्ती पर सवार थे, उस वक्त क्या हुआ था एक चिड़ा एक चिड़ा आके उस कश्ती के किनारे पर बैठा था और उस कश्ती के किनारे पर बैठे हुए उस चिड़े को देख हजरत खजर ने हजरत मूसीम को मुखातिब होकर फरमाया था कि देखो उस चिड़े ने ना समुद्र में अपनी चोंच डाली थी और फिर उससे पानी पिया था तो मूसा ने फरमाया था हजरत ने फरमाया था कि मूसा देखो तुम्हारे और मेरे दोनों के इल्म को मिलाकर अल्लाह के इल्म के मुकाबले में उसकी वही मिसाल है जो इस चिड़े के चोंच में आने वाले पानी की मिसाल इस समुंदर के पानी के मुकाबले में यानी जितना पानी इस चिड़े की चोंच में आया एक दो छोटे छोटे कतरे जो वो कतरे इस बहरे बेकर के मुकाबले में है वही मेरे रब का इल्म हम दोनों के इल्म को मिलाकर यानी तुम समझते थे कि तुम सबसे ज्यादा साहिब इल्म हो और अल्लाह ने आपको मेरे पास भेजा है कि मैं आपसे ज्यादा साहिब लेकिन हम इतने साहिब इल्म दोनों का भी इल्म मिलाकर अल्लाह के इम के मुकाबले में इतना थोड़ा और इतना अखीर है तो लिहाजा ये तरबियत थी हजरत मूसम की जो हजरत खजर ने की बहरहाल उन्होंने कहा खिज़र ने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकते गोया हसूल इल्म के सफर में फिर क्या चीज़ बहुत ही ज्यादा लाजमी है सबर सबर बहुत ज्यादा जरूरी है और फिर उस्ताद को भी लगातार अपने शगिरदों को सब्र की तरफ माइल भी करना है काइल भी करना है याद दिहानी भी करवानी है मूसा सलाम ने कहा भूल चूक पर मुझे ना पकड़िए मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम ना लेंगोया क्या समझ आ रहा है उस्ताद अपने शागिर्द पर कुछ हद तक उसकी तरबियत के लिए उसकी असलाह के लिए उसकी ट्रेनिंग के लिए उसकी तालीम और तदरीस के लिए जायज हद हाँ तक सख्ती कर सकता है जरा सी सख्त कलामी और जरा सी दरुस्ती के साथ पेश आ सकता है बस शर्ते के नीयत उसकी असलाह और उसकी तरबियत की हो। उस्ताद अपने शागिर्द को पकड़ पूछ गिछ सवाल जवाब उसकी गलत रबी को हाई करके सर्जनिश नाराजगी और गुस्से का तरीका इख्तियार कर सकता है और जब जब मुआवजा हो जब पकड़ हो तो शागिर्द को क्या करना लाजिम है शागिर्द को माजरत करनी माफी मांगनी और उससे अपनी खता का इतराफ करना लाजिम है जब फिर उन्होंने माफी मांग ली और उन्होंने माजरत पेश कर दी तो उसद ने क्या किया अच्छे उस्ताद के लायक ये भी है कि जब शागिर्द अपना जायज उजर और अपनी माजरत पेश करते तो अच्छे उस्ताद को भी अपने जरब से उसकी माजरत को कबूल करके उसको दरगुजर कर देना है फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि यह उनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया मूसा सलाम ने कहा आपने आपने एक बेगुनाह की जान ली हालांकि उसने किसी का खून नहीं किया था हजरत मूसीम का ये कहना कि हालांकि उसने किसी का कत्ल नहीं किया था किस बात की निशानदही है कि हजरत मूसा की भी शरीयत में कत्ल के बदले कत्ल यानी क़िसस का हुक्म मौजूद था हज़रत मूसीम ने यह कहा कि इस शख्स ने किसी को कत्ल नहीं किया तो फिर इसको कत्ल किया जाना दुरुस्त नहीं था गोया कसांस का हुक्म मौजूद तमाम अम्बिया की शरीयतें, उनके दीन के एहकाम उनके कवानीन और उनकी हदूद मिलते जुलते क्यों क्योंकि जरिया एक है वही का सोर्स एक है और दीन हमेशा से अबद से लेके अजल तक दीन दीन इस्लाम ही है उसने कहा मैंने तुमसे कहा नहीं था तो मेरे साथ सबर नहीं कर सकते जब भी मौका महल हो उस्ताद अपने शागिर्द को उसकी बेसगबरी उसकी नालयी उसकी गलत रवि पर पूछ पकड़ सजनेश दान डपट कर सकता है मूसा ने कहा इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ मत रखिएगा लीजिए अब तो मेरी तरफ से आपको उजर आ गया गोया शागिर्द उस्ताद के पकड़ने पर अपना उजर बताएगा और उसद फिर उसको अगर वो जायज तो उसको कबूल करेगा फिर वो आगे चले यहां तक कि वो एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना मांगा मगर उन्होंने उन दोनों की जियाफत से इनकार कर दिया जियाफत करना मेहमान नवाजी करना क्या है ये हुक्म खुदाबंदी है दीन का हुक्म है और फिर ये तो अम्बिया की सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की हजरत लूत अलैहि सलाम की सुन्नत कुरान में मजबूर है और वैसे भी हदीस में क्या आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान लाता है जो शख्स अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की मेहमान नवाजी करे तो गोया मेहमान नवाजी और मेहमान की इज्जत और उसकी ज़ियाफ़त करना हदीस की ताकियत और सुन्नत का तरीका भी लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी उस शख्स ने उस दीवार को फिर कायम कर दिया सलाम ने कहा अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे भाई आपने इनसे खाना मांगा था इन्होंने आपको खाना नहीं दिया और आप बगैर किसी उजरत और मजदूरी के इनकी दीवारें टूटी हुई दीवारें जो है उनको मुरम्मत करते जा रहे हैं उनको खड़ा करते जा रहे हैं आप इनसे माल मांग लेते बड़ी सी बात थी तो हजरत ने क्या कहा बस मेरा तुम्हारा काम खत्म हुआ हाँ गोया उस्ताद का मामला एक बेसब्र शागिर्द के साथ नहीं चल सकता बेसबरा कसरत से बे कार और उस्ताद के मना किए जाने के बावजूद एक रवैया अख्तियार करने वाला उसका और उसके उस्ताद का मामला चल नहीं सकता उन्होंने कहा बस मेरा तुम्हारा काम खत्म हुआ मेरा तुम्हारा मामला खत्म हुआ अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर तुम सब्र नहीं कर सकते यानी चेतन के बारे में इतना सवाल कर रहे थे मामला तो मैंने खत्म कर लिया मैं वो बातें तो तुम्हें बता छोड़ू ना उनका तजस ही तुम्हारे दिल में रह जाएगा उस कश्ती का मामला ये कि वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे मैंने चाह कि उसे ऐबदार कर दूं क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था तो ने बताया कि मैंने किश्ती को अल्लाह के हुक्म से जान बुझ के किया था कि वो किश्ती वाला मल्ला जो था ये किश्ती चलाना और किश्ती के ऊपर लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर लाना ये उसका क्या था उसका जरिया माश था उसकी रोजी का उसकी कमाई का जरिया था लेकिन अब दरिया के परले किनारे एक जाबिर हुकुमरान ने एक बादशाह ने क्या हुक्म दे दिया था कि लोगों की किश्तियों पर कब्जा करता था तो मैंने अल्लाह के हुक्म से क्या किया मैंने उसकी किश्ती के अंदर सुराख इसीलिए कर दिया कि जब उसकी किश्ती ऐबदार होगी नुक्स वाली होगी तो क्या होगा वो बाज़ता उसकी किस्ती छोड़ देगा तो मैंने इस हमत से किया फिर दूसरी बता ही रहा वो जो लड़का ना जिसको उन्होंने कत्ल किया था तो उसके मुम्मिन थे हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से उनको तंग करेगा इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उनके बदले उनको एक ऐसी दे जो अखलाक में भी उनसे बेहतर है जिससे सिला रहमी की भी ज्यादा तबक् है तो इन्होंने वजह बताई कि मैंने उस बेटे को क्यों कत्ल किया था क्योंकि उसके वालदेन बड़े नेक थे बड़े ईमानदार सवाले थे और अल्लाह सुबहाना तलिब रब जानता था कि ये बच्चा फितरी तौर पर सरकशी नाफरमानी और कुफर की तरफ मायल और अपने माँ बाप को भी आजमाइश में डाले ज़ाहिर गुनागार औलादे किसके लिए आजमाइश बन जाती है माँ बाप के लिए भी आजमाइश बन जाती है ना तो सुबहाना बच्चे की आजमाइश से माँ बाप को बचा दिया और अल्लाह जुबहाना ने हमें हदीस में पता चलता है कि अल्लाह जुबाना ताल के हुक्म से इस सरकश बेटे को जिसको अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर दिया गया था उसके बदले में अल्लाह ने बेहतरीन नमलबल के तौर पर एक नेक सॉल सीरत वाली बच्ची इनको अताप फरमाई थी अबरों को ऐसा ही अजर देते हैं और वैसे भी वो शख्स जो किसी बड़ी तकलीफ़ के फौत होने पर किसी बड़ी चीज़ के जाने पर किसी बड़े गम पर क्या करता है सब्र करता है और क्या कहता है इलावा व इन्ना, इन्ना जून और क्या कहता है मिन। जुरनी फी मुसीबति महाजुरन फ़ीस मुसीबती मिन अल्लाह मुझे मेरी तकलीफ़ से मुझे निजात दे और क्या कर इससे बेहतर मुझे नेमुल बदल दे तो अल्लाह उसको बेहतर नेमुल बदल देता है वालदे ने सबर किया होगा तो अल्लाह सबाना ने बेहतरीन नेक सोले नेक किरदार नेक सीरत बेटी इनको नेमुल बदल के शक्ल में अदा कर दे अब इस दीवार का मामला ये तो ये तो दो यतीम लड़कों की थी इनका वालिद फौत हो गया था दीवार के नीचे उस वालिद का बहुत सा खजाना जो है वो वालिद ने दफन किया हुआ था और दीवार गिरा जाती थी अब अगर दीवार गिर जाती तो क्या होना था सारे शहर के लोगों ने वो जो इतने बखील थे जो किसी किसी मेहमान को मेहमान नवाजी भी नहीं कर रहे थे अगर यतीम बच्चों का खजाना उनके हाथ लगता तो वो तो ज़रूर ही लूट लेते ना तो अल्लाह के हुक्म से इन्होंने क्या किया दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते हैं इस दीवार के नीचे उन बच्चों के लिए खजाना मतफून है और उनका बाप एक नेक आदमी था इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग होकर अपना खजाना निकाल लें ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर किया गया मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं किया था ये हकीकत है उन बातों की जिन पर तुम सबर नहीं कर सके अल्लाह सुबहाना ते जो आखिरी वाक्य है इससे पता चल रहा है कि अल्लाह सुबहाना तेनेक और सवाल बंदों के साथ कितनी मोहब्बत करता है अल्लाह सुबहान तला अपने नेक और सोले बंदों के साथ कितनी मुहाफिजत करता है उनका वली बन जाता है इन अल्लाह वलीना मनु देखे अल्लाह सुबहान तला उन दो मोमिन माँ का वली बन गया और उनको सरकश औलाद के फितने से बचा के एक नेक साली औलाद दे दी अल्लाह सुबहाना तला इस इस नेक मोमिन बाप का वली बन गया और अला सुबहाना बाप की वफात के बाद उसकी औलादों के माल और उनके तीन बच्चों की कफालत का जिम्मा जो है उसका हिफाजत का जिम्मा ले लिया ईमान इतना बड़ा खजाना है कि साहिब ईमान का वली अल्लाह बन जाता है और जिसका वली अल्लाह बन जाए जिसका वली अल्लाह बन जाए फिर उसको किसी की वलायत किसी की हिफाजत किसी की मदद किसी की मुआावनत की जरूरत नहीं रहती ये है ईमान का साहिब ईमान था इसके पौत हो जाने के बाद इसके खजाने इसकी औलादों इसके बेटों इसके यतीमों की हिफाजत का जिम्मा ने ले लिया था और वैसे भी पता चल रहा है कि अल्लाह सुबहान तकदारों मजलूमों मोहताजों बेकसों की मदद फरमाते हैं उनकी उनकी आनत फरमाते हैं और ये भी पता चल रहा है कि जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है जिसका कोई मुहाफिज नहीं होता फिर अल्लाह उसकी मुहाफिजत करता है ये पता चल रहा है कि अल्लाह रहमान है अल्लाह अलतूत है ये यकीन हो रहा है कि अल्लाह माँ और बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है एक तवक्कुल का जज्बा पैदा हो रहा है ये जो कहा हजरत खजन ने कि यह सब काम मैंने अपने रब की रहमत की बुनियाद पर किया मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं किया हजरत खजर कौन थे इस पर मुबासा बड़ा तवील मौजूद है कुछ की नज़र में वो एक नबी थे निकोकार थे या कोई वली उल्ला, यानी इंसान ही थे कुछ कहते हैं कि हजरत खजर हर कैफ इंसान थे वो कोई नबी कोई वलील्ला या कोई बड़े सवाल मोमिन शख्स थे और अल्लाह ने उनको ये इल्म और ये दर्जा दिया था लेकिन इसके खिलाफ राय रखने वालों का जवाब यह है कि वो इंसान नहीं थे क्योंकि किसी इंसान के लायक वो अमल नहीं जो इन्होंने किए किसी इंसान के लिए हदीस में क्या आता है किसी दूसरे मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू हराम है तो किसी की किश्ती किसी का माल बर्बाद करना उसको खराब करना ही इंसानों के लायक ही नहीं है ये कि किसी शख्स का काम हो ही नहीं सकता किसी नबी के शायन शान ही नहीं है इन्होंने एक बच्चे को कत्ल कर दिया ये किसी इंसान का काम नहीं ये किसी नेकोकार किसी मोमिन का फेल हो ही नहीं सकता तो लिहाजा ये सारे का सारा ऐसे कामों का करना ये इंसानी अमल नहीं थे तो इस राय को तकवीत देने वाले लोगों का ख्याल और राय यह है कि हजरत खजर एक फरिश्ता थे जो इंसान की शक्ल में हाजिर किए गए जो इंसानी शक्ल में हजरत मूसा की तालीम के लिए भेजे गए थे इनके फरिश्ते होने की राय को मजीद तकवियत अल्लाह सब्बाना तआला की आयत से भी मिलती है कि अल्लाह फरमाते ना कि फरिश्तों का तरीका क्या है फालना मारून वो करते हैं जो अल्लाह का हुक्म है तो लिहाजा बहासियत फरिश्ता होने के अगर हजरत खजर ने किसी की जान ली किसी को मारा किसी को किसी की कश्ती को ऐबदार किया तो ये बेजन ला था और ये फरिश्तों की फरिश्तों के फराइज में से है कि अल्लाह के हुक्म से वो सारे मामला करते हैं तो ये राय अक्सर तफसीर में आपको यही मिलेगी कि हजरत खिजर एक फरिश्ते थे और इंसानी शक्ल में आए थे पीछे आपने देखा कि अल्लाह सुबहाना तारा ने फरमाया कि अल्लाह सुबहाना तारा ने कहा कि मेरे बंदों में से एक बंदा तो फरिश्ते भी क्या है अल्लाह की बंदगी करने वाली ही तो एक मखलूक है तो इसका ये मतलब हर हरगे नहीं है कि वो इंसान थे और फिर दूसरी बात ये भी है कि हम जानते हैं कि फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आए और आते रहे अल्लाह के हुक्म से उनको हारूत और मारूत की शक्ल में भी कौम की आजमाइश के लिए जादू सिखाने की दुकान बनाकर भेजा गया था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास उनकी कौम की आजमाइश के लिए नौजवान खूबसूरत लड़कों की शक्ल में इंसानी शक्ल में भेजा गया था और फिर सबसे बढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके मुअल्लिम हज़रत जिब्रील अमीन एक से ज़ायद मौके पर इंसानी शक्ल में आए वो तवील हदीस बुखारी शरीफ की हदीस जिब्राइल वो क्या है हज़रत जिब्रील एक सफ़ेद लिबास वाले शख्स की सफर किए हुए एक मुसाफिर की शक्ल में आए थे और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल पूछा था इस्लाम क्या है ईमान क्या है एहसान क्या है तो लिहाजा हजरत हज़र जबी एक से ज्यादा मौकों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए हजरत मरियम हजरत मरियम के सामने किस शक्ल में आसे किस शक्ल में फरिश्ते को हाजिर किया गया था अल्लाह व तआला ने खुद कुरान में फरमाया है कि इंसान की शक्ल में फरिश्ते को हजरत मरियम के पास भेजा गया था जब वो उसे खाइफ हुई थी और खौफजदा हुई थी जब बेटे की खुशखबरी दी तो ये सब सब में के वाकयात इस बात की वाज गवाही देते हैं कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते नबियों की तलीमा के लिए नबियों की तरबियत के लिए वही की तरसील के लिए या मुख्तलि खबरों के देने या कौमों की आजमाइश के लिए तो लिहाजा और अल्लाह तआला खुद कुरान में फरमाते हैं ना कि हम किसी फरिश्ते को नबी बनाकर नहीं भेज सकते थे क्योंकि अगर हम उसको फरिश्ते की शक्ल में भेजते तो लोग फिर ही मानना लाते और अगर हम उसको इंसान की शक्ल में भेजते तो फिर मामला कुछ और होता तो लिहाजा ये फरिश्ते थे जो इंसानी शक्ल में आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम तरबियत और तस्किया के लिए हसूल इल्म के तो बहुत से सबक हमें हजरत मूसा के इस किस्से ने सिखाए लेकिन इसके अलावा जिंदगी की हकीकत और जिंदगी के साथ हमारा रवैया इसकी भी इसलाह और इसके तजिए का तरीका बनता है ये वाक्य इस वाक्य में और इस सफर में हज मूसा सलाम की ये तीन मुशाहिदात एक कश्ती का ऐबदार हो जाना उसके अंदर सुराख का हो जाना खैर का पेश खैमा था एक वालदेन के बेटे का कत्ल हो जाना उनके लिए खैर का पेश खैमा था क्या समझा रहे हैं यह वाक्यात कि जिंदगी और दुनिया में रूनुमा होने वाले वाकयात और हालात बजहिर शायद कुछ और दिखाएंगे लेकिन जिंदगी में रूनुमा होने वाली मुश्किलात, गमों दुखों परेशानियों और मसाइब के पीछे पसे पर्दा हमत और खैर जरूर पोषिता होती है बजहिर एक कैफियत दुख गम परेशानी मुसीबत और बहुत बड़ी दुशारी का पेश नजर आ रही होगी लेकिन इन सारी चीजों के पीछे पसेपर्दा यह सारी मुश्किल एक बहुत बड़ी खैर का पेश खैमा जरूर होती है आप देखें कि जब उस उस मल्लाह की किश्ती के अंदर सुराख हो गया था तो क्या था जाहिर इसबाब क्या थे कि वो अपने रिस्के हलाल और अपने कस्बे मार्च से महरूम हो गया था लेकिन ये महरूमी आर्जी थी और ये महरूमी उसको उसकी किश्ती के छिन जाने और रिस्के हलाल के मुकम्मल दरवाजे बंद हो जाने से बचाने का जरिया थी जब उसकी किश्ती के अंदर ऐब हुआ सुराख हुआ तो उसके लिए तकलीफ हुई होगी उसके रिस्क का जरिया कुछ दिन रुका होगा लेकिन यह किश्ती का सुराख उसके लिए एक बहुत बड़ी खैर उसके लिए बड़ी आफत को टालने और उसको एक बड़ी आफत से बचाने का पेश खैमा थी इसी तरह इससे बड़ा गम तो कोई हो ही नहीं सकता कि वालदेन की एक औलाद कत्ल कर दी जाए वालदेन की औलाद को कत्ल कर दिया जाना उन मां बाप के लिए इससे ज्यादा अंदोनाक और अलमनाक कोई सानेहा हो नहीं सकता लेकिन इस तकलीफ देख कैफियत ने भी उस वालदेन का उस बच्चे से महरूम हो जाना बहुत बड़ा दुख बहुत बड़ा गम जिंदगी का बहुत बड़ा साना लेकिन इसके अंदर भी उनके लिए खैर का एक अंसर मौजूद था अल्लाह सूरह कहफ के इस वाक्य से हमें क्या सिखाना चाहते हैं दुनिया के फिक्रों और गमों को निपटाने का तरीका सिखाना चाह रहे हैं दुनिया की परेशानियां दुनिया के क्राइसिस दुनिया की टेंशन आने वाली मुसीबतें और परेशानियों को फेस करने का तरीका और करेज सिखाया जा रहा है क्या सिखाया जा रहा है देखो होता वही है जो अल्लाह चाहता है जो अल्लाह चाहता है वो कर लेता है उसके करने के वसीले असबाब और सबब वो खुद ही फराहम कर देता है और जब उसके चाहने से कोई तकलीफ मुश्किल परेशानी गम मुसीबत बीमारी दुख आता है तो वो अल-अलीम है उसको उसका इल्म होता है वो असमी है वो तुम्हारी बातों तुम्हारे रवैयों को सुन रहा होता है वो अल-बसीर है तुम्हारे बिहेवियर तुम्हारे एक्सप्रेशन तुम्हारे अमाल को वो सब देख रहा होता है अलखबीर है उसको खबर होती है सारी रुदात की तो फिर क्या है जब एक तकलीफ एक दुख एक काम एक परेशानी एक बीमारी एक मुसीबत आए तो क्या याद रखना है आया उसके हुक्म से है है उसके इल्म में वो सब देख रहा है वो सब सुन रहा है और वो सब जानता है सब कुछ सुनने देखने जानने और दूर रखने के करने की कुदरत के बावजूद अगर वो मुझे इसमें मुब्तला कर रहा है तो वो अलवतूत है वो अलवतूत है और वो अल हकीम है टालने की कुव्वत और ताकत के बावजूद अगर वो मुझे तकलीफ में मुब्तला कर रहा है तो ये तकलीफ इसमें मेरे लिए कोई ना कोई हमत जरूर है इसमें मेरे लिए कोई ना कोई खैर का अंसर मौजूद जरूर है कि सिखा रहे हैं हमें यह वाक्य इससे बड़ी तकलीफें हो नहीं सकती लेकिन इनमें भी खैर थी यही सिखा रहे हैं हमें सुरख कहव का यह वाक्य कि जब तकलीफ आएगी तो याद रखना उसमें तुम्हारे लिए कोई खैर तुम्हारे लिए कोई बेहतरी तुम्हारे लिए कोई फला तुम्हारे लिए कोई उससे बड़ी तकलीफ से बचने का पेश खैमा होगा क्या करना तकलीफ में साबिर रहना शाकिर रहना राजी ब रजा रहना और उस पर तवक्कुल करना उससे हाजत रवाई करना सिखा रहा है यह वाक्य अरे दुनिया के छोटे छोटे गमों पे अपना वक्त अपनी सलाहियतें ना लुटा दो दुनिया के आर्जी गमों और परेशानी और दुखों में उलझ के ना रह जाओ दुनिया के फिक्रों के गुलाम बन के ना रह जाओ ये सारे गम दुख तुम्हारे लिए खैर लाएंगे यहां के फिक्रों में खैर को तलाश करो असल फिक्र आखिरत की फिक्र बना लो ये सिखा रहा है ये वाक्य अल्लाह हमें अल्लाह हमें बेहतरीन इल्म के खजाने सूरह कहाब से समेटने और सब शाकिर और तवक्कुल करने वाला बंदा बनने की तौफीक अता फरमा दे का अनजिल कर्नैन और वो तुमसे जिलकरनैन के बारे में पूछते हैं अब ये चौथा वाक्य है जो सूरा अल कहाफ में क्योंकि उन्होंने सवाल किया था उसका जवाब दिया जा रहा है जवाब भी दिया जा रहा है आपको तसली भी दी जा रही है कुरैश को फिक्र आखरत भी सिखाई जा रही है और जिसके पास माल दुनिया उदा इकतदार है जैसे कुरैश मक्का के पास था तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का अदबर सलीका भी सिखाया जा रहा है अल्लाह का तरीका ये है सवाल के जवाब के साथ साथ बहुत से और दूसरे तरीके भी हल कर लेता है अल्लाह की कलाम में इलाही का मुजा है वो आपसे जिलकरनैन के बारे में पूछते हैं जिलकरनैन का मतलब क्या है मतलब है वाला अल तस्निया है दो करन वाला करन के मतलब क्या है फ्रॉ नून के कुछ मतें हैं दो करण वाला करण का एक मतलब दूसरा मतलब जुल्फ बालों की लटे होती जुल्फ तीसरा मतलब किनारा एंड्स किनारा एक्सट्रीम एंड्स चौथा मतलब उम्मत कौम कोई लोगों का ग्रोह और पांचवा मतलब जमाना या वक्त तो इसके हवाले से क्या मतलब होगा दो सिंगों वाला हमें तफसीर से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा एक बादशाह था एक हुक्मरान था और आपको पता है कि तारीख में पिछले दौर के हुक्मरान जो हैं, वो अपने सरों पर बड़ी बड़ी टोपियां पहनते थे और उनके ऊपर सींग वगैरह बने हुए होते थे अपनी ताकत और अपनी कुत के इजहार के लिए तो शायद वो अपने सर पर कोई बड़ी सी टोपी पहनता था जिस पर कोई जानवर के दो सिंग बने थे इसलिए दो सींगों वाला कहा जाता है और कुछ तफास में ये भी आता है कि उसके सर के के दोनों किनारों ऊपर कुछ दो दो स्वेलिंग सी थी बल्जेस थे जिसकी वजह से वो सिंग की तरह के लगते थे तो लिहाजा इसको दो सींगों वाला कहा गया तो दूसरा मतलब दो जुल्फों वाला आपको पता है कि पिछले दौर के जो बादशाह हैं अब फिर भी वो फैशन आ गया लड़के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखने लगे हैं लेकिन उस दौर में जो तरीका था कि वो मर्दों के बाल भी लंबे होते थे तो हो सकता है ये वो हुक्मरान था जो अपने बालों के लंबे लंबे बालों की दो जुल्फे अपने दोनों कंधों पर रखता था तो दो जुल्फों वाला तो ये दोनों नाम उसकी जाहिरी है उसकी जाहिरी कैफियत और उसकी अपेयरेंस की निशानदेही करते हैं दो किनारों वाले से क्या मुराद है अभी आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जमीन के दो किनारों तक सफर करके क्या था वेस्टर्न एंड ऑफ द तो वर्ल्ड एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के मगरबी किनारे तक सफर करके मगरब की हद तक गया था और जिस जहां तक जमीन पहुंचती थी मशर की किनारे के हद तक गया था उसके आगे समुंदर था तो लिहाजा जमीन के दो किनारे और दो सिमतों की तरफ ट्रेवल करने वाला दो कौमों वाला दो उम्मतों वाला दो ग्रहों वाला इसने इसके फतवाहात का सिलसिला इसकी फतूहत का सिलसिला इसके गलबे का सिलसिला और इसकी हकूमत का नफाज दो नहीं अपनी कौम के अलावा दो दो कौमों के ऊपर इसकी हकूमत नाफि हुई और दो जमानों वाला यानी सिर्फ एक जमाना आपको पता है कि हर शख्स जिंदगी का एक पीरियड होता है वो एक जमाना है लेकिन अल्लाह ने इसको बहुत लंबी जिंदगी दी थी तवील तो उम्र दी दो जमानों तक बड़े लंबे पीरियड तक इसको हकूमत मिली तो दो जमानों वाला ये कौन था अगर किस्सा देखें तो बहुत से लोग तपसिन में कहीं सिकंदर आज़म कहते हैं कि ये सिकंदर आजम था कहीं मुख्तलिफ नाम फैबलस और कौरस और बहुत से हुक्मरानों को और बादशाहों को और फातहीन को एसोसिएट किया गया कुरान और हदीस खामोश है इसका नाम नहीं बताया गया सिर्फ इसको जुलकरनैन ही कहकर पुकारा गया तो हमें इसकी कुरेद में नहीं जाना नहीं इसकी टो में जाना क्या द ग्रेट था या खरस था या कौन था वल्ल आलम लेकिन इसके हवाले से हमें सबक सीखना है अगर आप दोहराएं तो कहफ में पहले वाक्य में अल्लाह सुबहाना क्या सिखाया था अल्लाह की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब कर लो दुनिया के इससे निजात पा जाओ और दुनिया की महबूब चीज़ों को अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत के हर्स में खर्च कर दो इनको बाकी या तो सवाल हाथ बना दो दूसरे वाक्य में अल्लाह ने फिर आजमाइश का जिक्र किया था अल्लाह के आजमाइश के चार तरीके हैं ना देकर आजमाता है ना देकर आजमाता है, दे है देने के बाद लेकर आजमाता है ना देने के बाद देकर आजमाता है तो अल्लाह सुबहाना तारा ने बाग वालों का किस्सा सुनाया था एक को देकर आजमाया था एक को ना देकर आजमाया था दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या है यहां की फिक्रों की हकीकत क्या है वो समझाया गया उसके बाद उसके बाद हमें हजरत मूसा इस्लाम के वाक्य से भी ऐसी ही हकीकतें फिर सिखाई गई अब यहां पे क्या सिखाया जा रहा है अल्लाह देकर कैसे आजमाता है सुल्कर नैन को अल्लाह सुबहाना तला ने सब कुछ दे रखा था अल्लाह सुबहाना आगे फरमाते हैं इन न मकन्ना लहुफ रता ही ना हमने उसको जमीन में इकतदार अदा किया था और उसे हर किस्म के असबाब और वसायल अदा किए थे ये नौजवान भी था अल्लाह ने इसको जवानी भी दी कुत भी दी जिसमानी ताकत भी दी, हुसन भी दिया इल्म भी दिया, फन और हुनर भी दिया बड़ा बाहुनर था बड़ा स्किल्ड था बड़ा साहेब इल्म था अल्लाह ने इसको माल भी बहुत दिया था और फिर सिर्फ ये नहीं अल्लाह ने इसको हकूमत और उदा और इकतदार भी दिया था सभी कुछ दे रखा था अल्लाह की नियमतों का मिलना क्या है सिर्फ अल्लाह का फजल हाँ फसल तो है लेकिन साथ नेमतों का मिलना इम्तिहान का पर्चा भी होता है नेमतों का मिलना भी आजमाइश है इसको अल्लाह ने देकर आजमाया पूरी सूर कहा आजमाइश का ही तो समझा रही बाग वाले को देकर आजमाया था दूसरे को ना देकर आजमाया था फल्दान को औलाद देने के बाद उनसे औलाद लेके आजमाया था किश्ती वाले को किश्ती देकर उसमें ऐप करके आजमाया था तो ये आजमाइश ही समझाई जा रही यहां आजमाइश सिखा रही थी अल्लाह साल सिखा रहे हैं कि जब मैं तुम्हें नेमतें दूं तो याद रखना ये भी इम्तिहान के पर्चे हैं इनको क्या बनाना है इनको भी बाकियात सवाल हाथ बना लेना दुनिया की नेमतों को बाकियात सवाल हाथ बनाना नेमतों की नेमतों के पर्चे में कामयाबी का तरीका है अल्लाह जब नेमतें देता है तो क्या चाहता है नेमतों के पर्चे को कैसे हल करने का तरीका अल्लाह ने हमें कुरान में सिखाया अल्लाह चाहता है कि जब मैं नीमतें दूं, ये तकबर ना करें तकबर ना करें घुमड़ ना करें गरूर ना करें अकड़ ना जाए इतराने ना लगें तकबर करके जुल्म ना करने लगें ज्यादतियां हक तलफियां ना करने लगें नीमतें दूं, तो मुझे याद तो रखें जिक्र करें उस पर मेरा शिक्र करें सबर करें आपे आप में रहें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए यश में यादें खुदा ना भूल जाए नीमतें दू तो उन्हीं की मोहब्बत को तमाम चीजों पर गालिब करके तकासुर में उन्हीं चक्कर में ना पड़ जाए न तो उनको हलाल और जायज तरीके से खर्च करें मेरे हदूद के मुताबिक खर्च करें हराम से बच के खर्च करें और नेमतें दू तो पर्चे में कामयाबी के लिए उनको मेरी मखलूक पर खर्च करें मेरे दीन की अशात और मेरे दीन के गलबे के लिए खर्च करें मेरी रजात के लिए खर्च करें जुल्क ने इस पर्चे को बड़ी कामयाबी से हल किया क्या किया अल्लाह ने सारे ही इस बात दिए हम जब अल्लाह ने इतना हुकूमत होता इकदार माल जवानी इल्म फन हुनर दिया था और इतना माल था अपनी बस्ती में बैठ के ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता माल से माल कमाता अपने मेहलात बनाता ऐशो इशरत के अड्डे बनाता दुनिया तो यही करती इसने ऐसा नहीं किया इसने क्या किया उसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम का सरो सामान किया मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी अपनी नेमतों को लेकर उन्हीं में मस्त नहीं हो गया था उन्हीं का गुलाम नहीं बन गया था ऐश में याद खुदा को भूल नहीं गया था नेमतों की कसरत को अल्लाह के दीन की अर्षात के लिए तबलीग के लिए दावत के लिए निफाज के लिए खर्च करता है मुहिम की महेब की तरफ यहां तक कि वह गरूब आफ्ताब की हद तक पहुंच गया अल्लाह के दीन का झंडा उठाकर अलाय कलेमतुल्लाह का मकसद उठाकर दावत और तबलीग का मकसद उठाकर अल्लाह के बंदों की खिदमत का नसबुल बनाकर अल्लाह की जमीन पर अदल और इंसाफ को कायम करने की नीयत लेकर अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन की हाकमियत को कायम करने का निज़ाम लेकर ये उठा था और ये फतूहत का सिलसिला जारी करते हुए मगरब की हद तक पहुंच गया सूरज को एक काले पानी में डूबते हुए देखा और वहां उसे कॉम मिली हमने कहा एजुलकरनैन तुझे यह भी कुदरत हासिल है कि तू इनको तकलीफ पहुंचाए अब तो तू हाकिम बन के आया है तू फते बन के आया है तू वॉरियर था तू तू जीत गया है तू तु, तुझे मिली है तू फाते आया, फाते कौन को तो अपनी फाते हुए तो कौम के ऊपर हक है वो उसके साथ जो मर्जी करे ना तो अल्लाह तआला ने फरमाया तुझे हक है तू इनको तकलीफ दे और या तो उनके साथ नेक रवैया कर क्या है जब इतनी फतूहत का सिलसिला अपनी हुकूमत वसी से वसी हो गई जमीन और ज्यादा इकतेदार में आ गई और ज्यादा ताकत के डंके बजने लगे तो क्या नहीं आया नहीं आया, करूर नहीं आया अकड़ के फखर करके जुल्म और ज्यादा नहीं की बल्कि आजजी से अल्लाह की बंदगी पर अल्लाह की जमीन पर अदल का निजाम नाफिज किया यही है इम्तिहान मैं दू मेरी जमीन पर मेरा निजाम नाफिज करना मैं ज्यादा दू ना इंसाफिया ना करना मैं ज्यादा दू आप पे से बार होके जुल्म न करना अदल करना इंसाफ करना मेरे कवानीन को थाम लेना कहने लगे, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे और ज्यादा अजाम देगा और जो उनमें से मान लाएगा और नकमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा है और हम भी उसको नरम महकामा देंगे अतल को कायम किया अपनी सारा माल हुकूमत उद्दा सलाहियतें तन मन धन औकात किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह के दिन के नफाज के लिए अलाए कलमतुल्लाह के लिए अल्लाह की सरजमीन पर अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए अल्लाह की सरजमीन पर जुल्म और ज्यादती के खात्मे के लिए मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी अच्छा जनाब अब इतनी बड़ी रियासत हो गई थी मगरब के एंड तक फतोहत हो हाँ गई थी अब तो बैठ जाता इतनी वर्सी रियासत मिल गई थी अब तो एंजॉय करता अपनी हुकूमत को नहीं ना ये तो था ही नहीं ऐश परस्ती तकासुर का शौक हिरस खबस तमाल लालच ऐश में याद खुदा को भूल जाना ये तरीका ही नहीं नजर आ रहा पर्चा हल ही नहीं कर रहा है फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की वैसे तक तो चला गया यहां तक ये तलु आफ्ताब ये कौन सी तरफ है मशरक़ की तरफ की हद तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान नहीं कैसी कौम है अंडर डेवेलप्ड सी कौम है महरूम सी सी, फकीर सी मस्कीन सी कौम है उनके पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है गरीब मुफलिस फकीर सी कौम है। उस पर फतूहात का सिलसिला वहां तक चला ऐसी कौम को देखा कि जिनके पास धूप से बचने का भी कोई सामान नहीं है तो फिर उसने क्या किया ये हाल था उस कॉम का और जुल्कर नैन के पास जो था उसे तो हम जानते हैं क्या पता चल रहा है गोया ऐसी एक अंडर डेवलप्ड ऐसी माजूर ऐसी कमजोर सी कौम पर पहुंचा तो इसने अपने सारे के सारे वसाइल अपने इस्बाब अपने माल जो है वो इस कॉम की तरक्की उनकी हिफाजत और उनकी मुआवनत के लिए खर्च कर दिए ये करना है बंदों को जब अल्लाह नमतें देता है खुदा दाद न को अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए बंदगाने इलाही की खिदमत उनकी मुआवनत उनकी हालात की दुरुस्तगी के लिए खर्च करना अल्लाह के नेमत याफ्ता बंदों का तरीका अच्छा जनाब मगरिब तक भी फतूहत मुकम्मल हो गई मशरिक तक भी फतूहत मुकम्मल हो गई लेकिन ये बंदा अभी भी जारी है उसने एक और मुहिम का आगाज किया यहां तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान अब यह शायद शुमाल की तरफ गया है दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसके पास एक कौम मिली जो मुश्किली से कोई बात समझती थी ये कौम कैसी है अनपढ़ कौम है इलिटरेट कौम है जाहिलों की अनपढ़ों की गवारों की कौम है अच्छा तो इनके साथ क्या किया इनको हकीर समझा इन पर तकबर किया अच्छा नहीं एक कौम मिली जो मुश्किली से कोई बात समझती थी उन लोगों ने कहा याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके दरमियान बनता कोशिश मेहनत सही इस साहिब न्या थी अल्लाह की जमीन में फितने का खात्मा फितना क्या है फितना कहते हैं उस हालत को जब अल्लाह के बंदों को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने से रोका जाए ये था इसकी जिंदगी का मकसद जमीन अल्लाह की है अल्लाह के बंदे अल्लाह के निजाम के मुताबिक जिंदगी को सारेंगे फितने का खात्मा फसाद का खात्मा ज़ुल्म का खात्मा इंसाफ का क्याम अदल का क्याम निजाम इलाहिया का निफाज जमीन अल्लाह की है इस पे हकमियत अल्लाह की होगी उन्होंने कहा हम तुम्हें टैक्स दे कि तुम हमें बंद बन बना दो क्या कहा उसने कहा जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो बहुत है हिरस नहीं है ना हवस नहीं है तमा नहीं है लालच नहीं है अल्हाकुम उतकासुर तकासुर का शौक नहीं है मेरे पास बड़ा है कनात है तवक्कुल है हर हाल में शुक्र है इतना कुछ होने के आज लोकल करंसियां लोकल अकाउंट्स भरे हुए हैं स्विस अकाउंट्स भी भरे हुए हैं लेकिन हमारे पास अभी भी थोड़ा है जिसको कनात ना मिले उसको कुछ नहीं मिलता इसने कहा मेरे पास बहुत है मुझे तुम्हारे टैक्स शेक्स नहीं चाहिए हाँ ये सारे सारे के सारे जिहाद और ये सारे के सारी फतूहत क्या माल कमाने के लिए थी क्या रियासत में तोसी के लिए थी क्या उदे इकतदार की वसुतों के लिए थी या अपनी रियासत को वस... नहीं ये तो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निजाम के नफाज के लिए थी अपना माल नहीं बढ़ा रहा केते, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है मुझे तुम्हारा टैक्स नहीं चाहिए बस तुम तो मेहनत से मेरी मदद करो यानी मुझे तुम्हारे वर्किंग हैंड्स चाहिए जहर गैर मुल्क में आए हैं अपनी मैन पावर तो नहीं होगी बस तुम मैन पावर दो मुझे वर्किंग हैंड्स दो मेहनत से मेरी मदद करो और लोगों को सिखा क्या रहा है मेहनत की अजमत सिखा रहा है यानी अपनी मदद आप करो अपने मसाइल का हल करो उठो हरकत करो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ मुझे लोहे की चादरें दो आखिरकार जब दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा अब आग तक कि आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो उसने कहा लाओ अब इसमें पिघला हुआ तामाउंड लूंगा ये बंद ऐसा है कि याजूज माजूज इस पर चढ़ कर भी नहीं आ सकेंगे और उसमें नकब लगाना भी उनके लिए मुश्किल होगा लिहाजा और क्या तरीका समझ आ रहा है जितना पहले तो जितना माल था जितनी ताकत थी जितना कुत था वक्त था सलाहियतें थी वो अल्लाह के दिन की खिदमत और अल्लाह के बंदों की खिदमत पर लगा रहा था अब अपना इल्म, अपना फन अपना हुनर वो भी सब अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए लगा रहे एक पराई कौम एक पराई कौम एक अनपढ़ कौम एक मफतू कौम जिस पर फतेह बन के गया है उनकी खिदमत कर रहा है अपने इल्म को अपने फन और हुनर से उनको फैज पहुंचा रहा है ये होता है अल्लाह की नेमतों के साथ एक मुमिन का तरीक अल्लाह इल्म दे, अल्लाह फन दे अल्लाह हुनर दे अल्लाह माल दे अल्लाह जवानी दे अल्लाह ताकत दे हकूमत दे उदा दे इक्तदार दे सब को अल्लाह को राजी करने के लिए जन्नत का सौदा करने के लिए अल्लाह के बंदों की खिदमत करने के लिए और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी करने के लिए खर्च करना यही है बाकी अब तो साल कहा कि जी ये सारा प्रोसेस करो और एक बहुत खूबसूरत सी दीवार जो है वो बना दी और उनसे कोई मुआवजा भी नहीं लिया ये बंद ऐसा था कि याजूज माधुज उस पर चढ़ के नकब भी नहीं लगा सकते थे और साथ ही क्या कहा जुलकर ने कहा ये मेरे रब की रहमत है आजसी कितनी है इनके सारी कितनी है इतना बड़ा काम किया था पहले फतेह की फिर फतेह होने के बाद हाकिम बना फिर इतना जबरदस्त फीट ऑफ परफॉर्मेंस की इतनी बड़ी इतनी बड़ी दीवार बना दी जो उस दौर में कोई तस्बुरी मौजूद नहीं था लेकिन इसपे क्या है कोई तकबर नहीं कोई इतराना नहीं आजी और हर अपनी इन खुदाद नहत को रब के तारुफ का जरिया बना रहे ये मेरे रब की रहमत है मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो उसको पैबंद खाक कर देगा और मेरे रब के वादे का वक्त बढ़ा दे हर मौका महल से अल्लाह का तारफ आखरत का तारफ अकीदा अल्लाह की तालीम अल्लाह के अहमात का तारफ उस हम लोगों को छोड़ देंगे समुद्र की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्तम गुत्था हो जाएंगे और फूक सूर में फूंक मारी जाएगी और हम सभी इंसानों को एक साथ जमा करेंगे और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफरों के सामने लाएंगे उन काफरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने और कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं याजूज और माजूज का बताया जा रहा है कि कयामत के दिन से पहले और इस दिन के आने से पहले याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज का वो फितना जो अलामत कुबरा क्यामत की अलामत कुबरा में से एक है और उसकी हकीकत अल्लाह कुरान में नबी अदीस में वज़ात से बताते हैं कि हजरतीसा सलाम का जब नजूल होगा फितनाए दज़्ज़ाल के बाद कत्ले दज़्ज़ाल के लिए हजरतीसा सलाम का नजूल होगा और हजरतीसाम जब इमाम मेहंदी के लश्कर की मुआवनत में निकलेंगे दाल को कत्ल किया जाएगा ईसाई मुसलमान होंगे यहूदी सब के सब हलाक हो जाएंगे तो जमीन में अमन होगा इस्लाम नाफिज होगा इस्लाम का गलबा होगा और मुकम्मल अमन होगा। हज़रत शादी करेंगे उनकी औलादे होंगी और फिर याजूज और माजूज का फितना आएगा हमें हदीस से पता चलता है याजूज और माजूज ये फितने की शक्ल में आएंगे कुछ अवायात में यहां तक आता है कि ये पीली जर्द रंगत होगी इनकी चौड़े चौड़े इनके, चौड़े चौड़े इनके चेहरे होंगे और चिपटे नाक और छोटी आंखें होंगी छोटे कदों के होंगे और ये बुलंदियों से उछलते हुए कूदते हुए आएंगे हर रुकावट को फलांगते हुए आएंगे सारी दुनिया का पानी और सारी दुनिया का खाना इनके आने के बाद खत्म हो जाएगा फितना होगा फसाद होगा इंतजार होगा यहां तक हजरतीसालाम और उनके साथी गारों में पन्ना लेंगे फिर हजरतीसालाम दुआ करेंगे और इनके खात्मे की दुआ करेंगे इनके गले में कोई बीमारी आएगी और ये सब के सब हलाक हो जाएंगे इनकी लाशों के गलने सड़ने से बदबू फैलेगी माहौल मुताफन होगा हज़रत सलाम फिर दोबारा दुआ करेंगे बाराने रहमत और बारिश मुस्ता बरसेगी और इस बारिश के बरसने से नदी नाले बह निकलेंगे और इनकी लाशें उठ के समुद्र में चली जाएंगी तो ये याजूज और माजूज का फितना जो कयामत से पहले रोनम होगा जबाना तला अब मिसाल के बाद कयामत का नजारा दिखा रहे हैं अरे दुनिया की मोहब्बतों और फिक्रों का पैमाना दुरुस्त कर लो कर लोगे तो आखरत ने फैलाए वरना जहन्नम में तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को कारसाज बना लेंगे हमने ऐसे काफरों की जियाफत के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमल में सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन से हैं अब जिंदगी की हकीकत बताई जा रही है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम कौन है सबसे ज्यादा नामुराद कौन है वो कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी कोशिश सारी जिद्दोजहद राह रास से भटक गई और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आज सारी जिंदगी सारी दुनिया का यही तो हाल है दुनिया की मोहब्बतों में इतने उलझ गए घरों की मोहब्बतों में कारोबारों की मोहब्बतों में खेतियों की मोहब्बतों में बिज़नेसेस की मोहब्बत में औलादों की मोहब्बतों में दुनिया के गमों से इतने उलझ गए कि दुनिया की महबूब चीजों को ही जन्नत समझ बैठे दुनिया की महबूब चीजों को सजाते बनाते समेटते संवारते इनकी महरूमियों के फिक्र में उलझते इंसान जाखरत की फिक्र भुला बैठा है अल्लाह की मोहब्बत को बैठा है और आज का इंसान जिसकी ना मोहब्बत का पैमाना दुरुस्त है ना जिसकी फिक्रों का पैमाना दुरुस्त है आज का इंसान वो यही समझ रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं मैं सब कुछ दुरुस्त कर रहा हूं आज आज के दौर में लोगों की आंखों से जहालत का और गफलत का ये पर्दा हटाने की कोशिश करें तो लोग कहते हैं ठीक है तो कर रहे हैं हम क्या गलत कर रहे हैं हम क्या गलत कर रहे हैं हम झूठ नहीं बोलते हम बेईमानी नहीं करते हम धोखा नहीं करते हम रिश्वत नहीं खाते हम जिना नहीं करते हम सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं यही अल्लाह ने फरमाया कि सबसे ज्यादा नाकाम वो शख्स है जिसकी सारी कोशिश दुनिया की सही में है आज हमारे मर्द माशरे के सुबह से शाम तक कमाने के चक्कर में और औरतें कमाई को लुढाने और दिखाने के चक्कर में औरतें अपने बच्चों को आगे कमाई के चक्कर में तो लिहाजा सारी कोशिशें दुनिया की सही के लिए हैं, दुनिया के घरों को जन्नत बनाने की कोशिश है दुनिया के लिबास बनाने और सजाने की कोशिश है दुनिया के हीरो और जेवरात की तलब और तड़प है आखरत के नबागों की फिक्र है जन्नत के लिबासों की हिर्स निकल गई यही अल्लाह ने कहा कि वो दुनिया की सारी कोशिश रहे राज से भटक गई और वो समझते हैं कि वो सब ठीक भी कर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार कर दिया उसके हजूर पेशी का यकीन ही ना किया इसलिए उनके सारे अमल जया हो गए कयामत के रोज कौन से अमल जो खालिस्तन दुनिया के लिए किए गए होंगे जो खालिदन दुनिया बनाने के लिए दुनिया को राज़ी करने के लिए दुनिया की नाराजगी के लिए और दुनिया ही को संवारने के लिए बनाए गए होंगे क्या के दिन हम उनको कोई वजन नहीं देंगे उनकी जजात जो है उस कुफर के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे अलबत् वो लोग जो ईमान ले आए जिन्होंने नए कमल किए उनकी मेहमान नवाजी के लिए फिर के उसके बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर उनके जाने को जी भी नहीं चाहेगा ए मोहम्मद वसल्लम कहो अगर समुंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए और वो खत्म हो जाए तो मेरे रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी कौन सी बातें उसकी ज़ात की उसकी सिफात की उसकी इख्तियारत की, 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 की उसके अहकाम की उसकी तालीमात की उसकी तख्लीक़ की उसकी मखलूक की उसके मोज़ात की उसके एहसाना की उसके करिश्मों की बातें ख़त्म नहीं होंगी बल्कि अगर इतनी रोशनाई हम और भी ले आए ना तो वो भी कफ़ायत नहीं करेगी ए मोहम्मद सल्हल वसम कहो मैं तो एक इंसान हूँ तुम जैसा क्या है मेरी तरफ वही की जाती है क्या वही तुम्हारा खुदा बस एक है उसकी मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर कर लो उसको राजी करने के शौक को तमाम शौकों पर गालिब कर लो उसकी भी सजाई हुई जन्नत के लिए दुनिया की सारी कीमतें अदा कर दो बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि नकमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी को शरीक न करेम अल्लाह सुबहाना तेरे करम तेरे फजल से हमने सूरत पड़ी अल्लाह इसको हमारे लिए नूर का जरिया बना दे अल्लाह हमारे सीनों को अल्लाह हमारे सीनों को अपनी मोहब्बतों की और फिक्रों के पैमाने को दुरुस्त करने का नूर हमें अताप फरमा दे अल्लाह सुबहाना त अल्लाह दुनिया की मोहब्बतों से गनी कर दे अल्लाह अपनी मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब कर दे मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लाम की मोहब्बत को जिहाद की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब कर दे अल्लाह कुरान को सीखने सिखाने के शौक और शकब को अल्लाह उसकी तलब और तड़ब को बाकी तमाम शौकों और तलब और तड़प पर गालिब करते अल्लाह ये दुनिया की आरजी ज़िंदगी की फिक्रे अल्लाह दुनिया की ये आरजी ज़िंदगी की फिक्रे अल्लाह इनसे भी गनी कर दे अल्लाह आखरत का फिक्र अता फरमा दे अल्लाह उस फिक्र आखरत के लिए हमें अपनी सारी महबूब चीजें अपने तन मन धन औलादे वक्त सलाहियतें थकावटे नींदे अपनी हकूमतें उहद इकतदार उस जन्नत के हसूल के लिए पेश करने की तोफीक अता फरमा दे फिर वाते वाली दुनिया वाला आखिर توفني مسلما وأنهقني بالصالحين رب لا تزرني فردا وأنت خير الفارسين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين